जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट की, थैंक यू। इन्होंने मुझे पिछली साईं संध्या में लेडी हमसर का अवार्ड दिया और ये हमसर मेरे से बहुत छोटा है, पर ये मेरा बेटा भी है और छोटा सा प्यारा सा लाडला भाई भी है। तो वंस अगेन मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, थैंक यू, लव यू ऑल। और जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था, सक्सेना बंधु जी मेरे बड़े भाई जो साईं संध्या के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने न जाने कितने आर्टिस्टों को प्रोत्साहित किया। और काफ़ी मैंने जब सबसे पहले हाजिरी लगाई लोधी रोड मंदिर पे, तो मैं सबसे पहले सक्सेना जी से एक्सपायर हुआ। और ये सक्सेना बंधु जी के लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाएंगे, दोनों हाथों पर करें, जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं अपने उस्तादों की, दोनों हाथों पर जोरदार तालियां सक्सेना जी के लिए। और मेरे भतीजे अमित सक्सेना जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपने वालिद का नाम रोशन किया है, असली उम्र आज भी। तो ये सभी सुखी परिवार की तरफ से जितने भी फनकार हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो चाहे साईं परिवार के हों, वो माता रानी के हों, गुरु नानक के हों, अल्लाह रसूल के हों, गुरुवार दिन के हों, उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी बच्चे आए हुए पंजाब से, बड़ा अच्छा गा रहे थे। और मैं सक्सेना जी कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे दिल्ली में, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान की नाक है, शान है और सब इनको प्यार करते हैं। तो ये 3 अक्टूबर को आपको शिरडी में नवाजा जाएगा और शिरडी में जिसको नवाजा जाता है वो बहुत किस्मत वाला होता है और हम सब बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि इनको नवाजा जाएगा। जय साईं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और काफ़ी सारे फनकार, और मैं अपने भतीजे बड़ा प्यार करता हूँ मैं इसको बहुत, ये बड़ा छोटा सा सक्सेना भैया याद होगा आपको, हम लोग जो परफॉर्म करते थे बड़ा छोटा सा आगे बीच में बैठ जाता थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और सभी वो सभी हमारे जितने लोग बैठे हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये मंच बाबा का है। मेरी बर्थडे आपने सेलिब्रेट की, मेरे लिए आज सबसे बड़ा दिन ये है कि मुझे बाबा ने जो आज दिया है मैं रहती दुनिया तक नहीं भूल सकता।
क्योंकि हम हर रोज नई जिंदगी जीते हैं, हर रोज नया माहौल जीते हैं, लेकिन एक क्षण ऐसा होता है जब हम उसके नाम से जीते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, और मैं और कुछ नहीं कह सकता, ये कहूँगा जब तरी हका सामान तेरी शिरडी में। और हमारे बीच हमारे अभी एक बहुत बड़ी शख्सियत आने वाले हैं और हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान के लीजेंड पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए जनाब मेरे बड़े भाई हंसराज हंस जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे, वो मेरे इसरार पे स्पेशली यहाँ आए हैं। और वो आज दिल्ली क्षेत्र के एक ऐसी पदवी मिली है उनको, मैं कल उन्हीं के साथ था और उन्होंने मुझे स्पेशली फोन करके बुलाया कि अफसर भाई मैं चाहता हूँ आपका साथ में डिनर करूँ। तो ये मेरे पे जो भी कुछ मुझे मिला है ये महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे साई तक भेजा, गरीब नवाज ने मुझे महबूब इलाही तक भेजा, महबूब इलाही ने मुझे साई तक भेजा और साई ने मुझे पूरी दुनिया तक भेजा। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। मेरा परिवार पहली बार, मेरी फैमिली कभी नहीं जाती, मेरी वालिदा मोहतरम यहाँ आई हुई हैं जिनके दम से मैं हूँ। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि दुनिया में माँ से बड़ा भगवान नहीं है। हमने नहीं देखा भगवान कैसा है, हम तो अपनी माँ में भगवान देखते हैं, अपने पिता में भगवान देखते हैं। चलो ठीक है, मेरी बच्चे मेरी फैमिली पहली बार आए हैं और मैं रोहनी वालों का नहीं पूरे हिंदुस्तान का तहे दिल से यही कहता हूँ, जो मेरे फैंस हैं जो मेरे चाहने वाले हैं अगर वो मुझे बुराई में भी याद रखते हैं तो उसका मतलब ये है उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह जरूर है, क्योंकि बुराई भी वही होती है जहां मोहब्बत होती है और जहां मोहब्बत नहीं होती वहां बुराई नहीं होती, ये सच्चाई है। तो ये मेरी जिंदगी का वो लम्हा है, मैंने 25 साल सरकार के कदमों में गुजारे साईं जी के, मेरे परिवार ने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे भाइयों ने, मेरे बेटे ने, मेरे सभी लोगों ने, आप सब और जितने भी मुझे गुरु मानते हैं, मैं ये कहता हूँ मेरे भाई बहन में कोई ऐसी बात नहीं, मैं गुरु कहाँ से, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अभी तो पहली क्लास में एंट्री हुई है, अभी तो LKG में आया हूँ, थोड़ा मुझे ABCD तक तो पहुँचने दो, W तक आगे पहुँचा, ये बोल साई नाथ मारा है उनकी। तो हंसराज जी आ चुके हैं, थोड़ी देर में बस उनकी एंट्री होने वाली है और काफ़ी सारे लोग अभी आपके बीच सरप्राइज आते रहेंगे और इन सबसे मेरा प्यार है। तो जो लोग दीवाना है जरा हाथों पर करें, अजब तरी हका आता हिंदू है जी। मुझे आज भी याद है
मैं आपको छोटा सा सुनता था। आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। स्टेज पर जिनका नाम लिया गया है सिर्फ वही आ गया है, बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे हो जाए प्लीज। ये माइक लो जरा। श्री महेंद्र गोयल जी, कनिका जैन जी और श्री राजेश नामा जी बंसीवाला बंसी स्वीट्स। हाँ आइए। मैं चाहूंगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आप सबका तो मिला है, मुझे सभी परिवार का, लेकिन जिनकी वजह से मैं हमसर हयात निजामी हूं, मेरी वालदा, मेरी माता जी, मैं चाहूंगा वो स्टेज पे आए। मेरी माँ बैठी हैं जिन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी, मेरी वाइफ भी बैठी है यहाँ पर, मेरी बेटी भी आई है, मेरी तीनों बहुएं हैं, मेरी दोनों बहन हैं, सभी आए हुए, सब अजीब अजीब पूरा परिवार बैठा है, मेरी वाइफ भी जाके बैठी है। हाँ जी मोहसिन भाई आइए। और हम सर भैया आपके लिए बस इतनी सी बात कि जन्मदिन के लिए बहुत शुक्रिया। और बंसी वालों से तो हमारा बड़ा पुराना नाता है। हाँ हाँ जी छोड़ दूँ इसे। अब ये कौन कौन पकड़े गए बताओ, ये लो छोड़ दो, वो अपना फैमिली छोड़ दो छोड़ दो जन्मदिन के ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, खुशियों के और मैं एक बार फिर से इसमें से फोटो उठा देना, अपना फोटो लगा देना, अपना बर्थडे बना लेना, गुब्बारे में हवा सलामत रहे। अंकुश जी। हाँ जी भैया। अंकुश भाई आप जरा मंच इधर आ जाए। मैं भैया देखिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी मैं सभी आप प्यार करते हैं उनके, आप सभी अजीज हैं, आप सभी, आप यकीन करें हमारे सैयद साहब यहाँ बैठे हैं और ये हमारे लिए बड़े ताजी एहतराम है। ये थोड़ा सा साइड दे दो साहब जी, हमारे